नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जानते हैं लोगों से कि असली सच क्या है डेरा सौदा सुबह का। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? द्वारा से डेरा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमनीसा। कितने समय से आ रहे हो? हम यहाँ आ रहे हैं 85-86 से। कितना विश्वास करते हैं? हम तो बहुत विश्वास करते हैं, जैसे हमारा तो यहाँ डेरा में ही पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आए हैं जब से हम डेरा में आने लगे। हमारे सभी काम, बच्चों की पढ़ाई सब डेरा में ही हुई है। बेटा यहीं से पढ़ के गया है, भतीजी यहाँ पटियाला ज़िले से आई है, वो भी 5 साल यहाँ पढ़ के गई है। यहाँ पर माहौल कैसा है लड़कियों के लिए आश्रम? बहुत अच्छा है आश्रम में। हमारे तो भैया भाभी ने भी इधर ही लगाया था बेटी को, कि इधर बेटियाँ सेफ हैं। कभी भी ऐसी बात सुनी हो जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, वो हम उसको नहीं मानते। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत काम किया है, मानवता भलाई के लिए कितने काम उन्होंने चलाए हुए हैं। कितने यानी कि जैसे साफ सफाई अभियान चलाया है, बेटियों की शादियों के काम कितने काम चलाए हैं, बहुत काम है। मानवता भलाई के 100 से ऊपर काम गुरुजी द्वारा करवाए जा रहे हैं और जो आज भी नियमित चल रहे हैं। क्या आज उनकी ज़रूरत है मैम समाज को? बहुत ज़रूरत है, उनकी वजह से ही समाज में यानी कि काम जो हो रहे हैं उनसे समाज का बहुत भला हुआ है। बहुत सफाई अभियान चलाए गए हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उनके बारे में? वो बिल्कुल निराधार है, वो उन आरोपों का कोई है नहीं आधार उनका। पर ये समाज है, कुछ भी कह सकता है। क्या हम इनको नहीं मानते? क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से हम तो यही अपील करेंगे कि उनको अपना बल्कि सॉरी फील करना चाहिए गुरुजी के लिए। उनको गुरुजी को बाइज्जत छोड़ना चाहिए और संगत में दर्शन देने के लिए, संगत इतनी तड़प रही है दर्शनों के लिए, तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि उनको खुद गुरुजी को डेरे में छोड़ के जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की मांग कि गुरुजी जल्द से जल्द समाज में वापस आएँ। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।